नॉट दी पर्सन। जब आपके सामने कोई समस्या आती है परिवार में, तो आप उस पर्सन पे अटैक मत करो जिसकी वजह से समस्या आई है। तेरी वजह से ऐसा हो गया, तूने ऐसा कहा तो ऐसा हो गया, तुम ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता, वो ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता। आपने उस पर्सन को अटैक करना शुरू कर दिया ये समझ के कि उसकी वजह से परेशानी आई। आप कभी भी किसी पर्सन को अटैक मत करो, रिश्ते में हमारा कुछ भी लगता हो, आप उस प्रॉब्लम को अटैक करो। समस्या क्या है, समस्या क्यों आई, कहां से आई, कैसे आई, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इससे बाहर हम कैसे निकलेंगे। और ये बातचीत आपको समय रिश्ते को जवाब देंगे, और जब आप उससे कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तब आए आपको सामने बात आई कि आज घर में ये हो गया, आप एकदम से उस बच्चे पर, पत्नी पर, माँ पर, पिता पर, बेटे पर एकदम से टूट पड़े, अरे तूने ये क्या कर दिया, नहीं किया उसने, हो गया। कोई समस्या कोई खड़ी करना नहीं चाहता, हो जाती है हमेशा। इसलिए उस प्रॉब्लम पर अटैक करो, उस पर्सन को कभी टारगेट या अटैक मत करो जिसकी वजह से आपको लगता है कि प्रॉब्लम आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन में, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा उस बात को जब आप बातचीत करेंगे, मिलजुल के उस समस्या का समाधान करेंगे, तो समस्या भी समय के साथ सॉल्व हो जाएगी, एक दिन में, दो दिन में, दस दिन में, और वो रिश्ता भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आपका साथी आपको और अच्छे से समझ पाएगा कि देखो इसने इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर दिया है, या इनको समझा है इस बात को। आपको पहले प्रॉब्लम को समझना, उसको अटैक करना। और इसके बाद अगर हम कहें तो आपको जब भी इस तरह की समस्या आए आपके सामने, तो सिर्फ आप एक बात ध्यान रखें, आपके जीवन में, आपके आसपास, इस कम्युनिटी में जो भी आपको सबसे पॉजिटिव व्यक्ति लगता है, ये व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है, ऐसे मैं कहूँ डॉक्टर सतीश जी मुझे बहुत पॉजिटिव लगते हैं कई बार, तो अगर मेरे सामने कोई समस्या आती है और उस समय मैं उनको अपने मन में याद कर लूं कि अगर इस वक्त वो होते तो किस तरह से इस समस्या का सोल्यूशन करते, तो मुझे एक रास्ता मिलने की संभावना बन जाती। अगर मैं किसी नेगेटिव व्यक्ति को याद कर लूंगा उस समय कि यार उसके सामने समस्या आई थी, उसने तो ये कर दिया था, तो मुझे नुकसान हो गया। तो हमेशा ऐसे समय में जब भी पारिवारिक रिश्तों में कोई समस्या आए, तो जीवन में देखे हुए, मिले हुए, परिचित अपरिचित, ऐसे एक या कहीं पढ़े हुए ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको सोचना चाहिए, मन में विचार करना चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी भरी हो। और कभी भी एकदम से किसी भी बात के कंक्लूजन पर, मतलब एकदम कूदना नहीं चाहिए कि ये समस्या आई और एकदम हमने कंक्लूजन निकाल दिया, नहीं, वो गलती हो जाती है कई बार। हमें हर प्रॉब्लम को 3D चश्मा लगा के देखना चाहिए। अगर आप 4D चश्मा लगा लें तो ज्यादा अच्छी बात है। किसी भी समस्या आई, आप उसको 3D या 4D चश्मे के साथ देखो, मींस उसको चारों तरफ से देखो, आपको उसका एक पहलू दिखाई दे रहा है जो आपको बताया गया है या आपको दिखाया गया है या आपने देखा है उस चीज को, लेकिन उसके दाएं साइड में क्या है, उसके बाएं साइड में क्या है, उसके पीछे वाली साइड में क्या है जो आपको नहीं दिख रहा है, वो दिखाई देगा समय के साथ, समझदारी से। इसलिए आप उसको एकदम से किसी कंक्लूजन पे ना पहुंच के उस समय दीजिए, उसके बारे में सोचिए, विचारिए, उसको एक 4D उसका एक निचोड़ निकालिए क्या है, उसके बाद उस समस्या का समाधान करें, तो रिश्ता और मजबूत होगा। और कभी भी ध्यान रखें, रिश्ते में कई बार क्या होता है, भावना में आकर या किसी भी चीज में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, मैं ये कर दूंगा, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे मैं करा दूंगा, आपको सामने वाले साथी की जो अपेक्षाएं हैं वो ज्यादा पड़ जाती। आप उतनी बात कीजिए जितना आप कर सकते, अगर आप नहीं कर सकते तो बहुत प्यार से आराम से बता दीजिए इसमें ये समस्या है, नहीं हो सकती, हो सकता है उस समय वो आपसे नाराज हो जाए, लेकिन कुछ समय बाद पता लगेगा नहीं यार वो व्यक्ति ठीक था, आज आपने बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी, कोई बात नहीं यार, कर दे, मैं देख लूंगा, कहीं झगड़ा हो रहा है उसको कह दो कि तू लठ मार उसको, 5-7 मैं निपट लूंगा बाद में, क्या होगा, मैं नहीं निपट पाऊंगा ना, तो उसको समस्या खड़ी हो जाएगी, उसको उसी समय समझाओ नहीं भाई ये नहीं हो सकता। ओवर डिलीवरी, बहुत ज्यादा बोलना, बड़ी बड़ी बात फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना, वो सब चीजें और बड़े बड़े प्रॉमिस कर लेना किसी को, वो नहीं होना चाहिए। एक सीमित, एक तरीके से, एक सिस्टम के साथ आपको अपनी बात करनी चाहिए।